मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 2 में बने फूड प्लाजा में बीती रात 8 लोगों ने चाकू, तलवार और डंडे लेकर फूड प्लाजा में उत्पात मचाया था, जिसमें वेंडरों के साथ किसी पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक वेंडर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, तो वहीं कुछ घायल हुए थे। इसी मामले में जीआरपी पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कटनी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 2 में बने फूड प्लाजा में बीती रात 12 बजे 7-8 लोगों ने चाकू, तलवार और डंडे लेकर उत्पात मचाया था। वेंडरों के साथ किसी पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक वेंडर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, तो वहीं 3 वेंडर घायल हुए थे, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि 18 घंटों में जीआरपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पतासाजी कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। कल दिनांक 5/2/22 को रात्रि में करीब 0:10 बजे रेलवे स्टेशन कटनी के फूड प्लाजा कैंटीन में दो पक्षों द्वारा लड़ाई झगड़ा कर पुराने विवाद को लेकर चाकूबाजी घटना की गई थी, जिसमें 4 व्यक्तियों को चाकू लगी थी। एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया था और 3 व्यक्ति अभी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मरने वाले व्यक्ति का नाम है दीपू उर्फ दीपक उर्फ दिलीप और ये कानपुर का रहने वाला है, जिसका कल पंचनामा कार्रवाई पश्चात PM कराया गया है तथा डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। मामले में जो दूसरा पक्ष था मारने वाला, उनको 18 घंटे के अंदर जीआरपी पुलिस ने पकड़ लिया है। उसमें 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध धारा 294, 307, 302, 147, 148, 149, 452 IPC के तहत कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पुराने रिकॉर्ड आरोपियों के लिए गए हैं, तो जो आशीष तिवारी है वह सातर अपराधी है। इसके पिताजी की भी निगरानी खुली है, हिस्ट्री सीटर है, इसका बाबा भी हिस्ट्री सीटर था। जात का ये कुछ बंदिया है लिखता, लेकिन तिवारी है। ये तीन गोड़ी मोहल्ला के हैं और बाकी 2, एक खिलनी फाटक का है और एक तिलक कॉलेज का है। इस प्रकार 5 आरोपी हैं और इनके नाम पर इस प्रकार हैं। पहला आरोपी है अवैध दुबे, दूसरा है आशीष तिवारी, तीसरा आरोपी का नाम रुस्तम खान, ये मुसलमान हैं, चौथा है भगवान दास और पांचवा है अजय निषाद, जो क्रीनी फाटक में रहता है। अभी इसमें 1-2 आरोपियों और हैं जो फरार हैं, जिनको पुलिस शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर रही है। जीआरपी इतनी जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को 18 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।